नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं हूं आपके साथ प्रिया। मनिहारे विधानसभा क्षेत्र से शोभा सोरेन ने किया अपना नामांकन निर्दलीय। उन्होंने यह कहा कि आज मैंने अपना नामांकन किया, मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, बिजली से अलग विकास की ओर गंगा बहाना और यहाँ के ग्रामीण लोगों का अपने हाथों से विकास करना है। मनिहारी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ये मनिहारी विधानसभा है, आरक्षित सीट है, 67 है, बस यहीं से हम निर्दलीय प्रत्याशी शोभा सोरेन है। मनिहारी विधानसभा ही क्यों? क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं और हमारे जो भी विधायक हैं वर्तमान या थे, अभी तो आपको भी पता है कि राष्ट्रपति शासन ऐसा लागू हो गया, आचार संहिता के उल्लंघन के आचार संहिता लागू हो चुका है, इसी कारण वो तो वर्तमान विधायक रहे नहीं, वो आम कैंडिडेट हो गए। और मनिहारी विधानसभा ही क्यों, क्योंकि आरक्षित सीट है हमारा और हमारा भी हक बनता है कि जब ये विकास के नाम पे अभी तक कुछ भी विकास किए नहीं इस विधानसभा में, आप यहाँ देखेंगे 90% पानी में ही डूबा हुआ है जगह, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं है और हर दिन तो आए दिन महिला लड़की और हर तरीके से शोषित है। यहाँ पे पुरुष जितने रोजगार हैं कहीं भी उसमें को नौकरी का कोई सुविधा नहीं है, रोजगार की नहीं है। हम लोग युवा अगर क्या करेंगे, राजनीति में आना ही पड़ा, इन लोग से सवाल जवाब करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में हम इस बार उतरे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में मनिहारी से अगर आप सिलेक्ट होती हैं और विधायक बनती हैं जी, तो आपका डेवलपमेंट प्लान क्या होगा मनिहारी के लिए? मेरे पास प्लान क्या रहेगा, देखिए अभी के डेट में आपको ये मालूम है कि जो लॉकडाउन हुआ था, जो कोरोना काल था, उसमें तो मेरा अखिल आदिवासी चेतना मंच, मेरा एक खुद का एनजीओ है जिसके संस्थापक है मैं, पूरे लॉकडाउन के तहत हमने बहुत सारा काम किया, यहाँ लोगों से मिला, बहुत सारे परेशानियों को सुना, सूखा राशन वितरण किया, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह सब। लोगों का एक ही चीज़ है मैडम, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है बाढ़, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखें कटाव का समस्या है। आप यहाँ सिंगम टोला, गांधी टोला आप जाके देख सकते हैं, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए। तो हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि जो पुल पुलिया का भी सुधार नहीं हुआ है, लोगों महिलाओं में जो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा शोषित भी हैं महिलाएँ, सबसे बड़ी यहाँ परेशानी है कि शिक्षा नहीं है, रोज़गार नहीं है और स्वास्थ्य भी नहीं है, महिला बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान है। हम चाहेंगे कि अगर हम आते एक महिला में, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, हमने भी सर्च किया है कि अभी भी 1972 से यहाँ कोई महिला सांसद विधायक बनी ही नहीं है, और एक बार महिला को भी मौका दिया जाए, हम भी अपना वर्क तो दिखाएंगे कि हमने क्या क्या विकास किया, बहुत कुछ हम लोग सोच के रखे क्योंकि हम लोग युवा में आते हैं, और कम से कम मेरे चलते अगर 10 युवा, अगर 1,00,000 युवा का अगर रोज़गार, अगर सुविधाएँ हर चीज़ में अगर आगे बढ़, तो हम चाहेंगे कि हम भी विधानसभा में जरूर असेंबली में आवाज़ उठाएँ। देखिए अपनी हक की लड़ाई, हम हमेशा कहते हैं अपनी हक की लड़ाई छिमांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम लोग 100 साल पुराने चले गए, पीछे चले गए। लॉकडाउन में जनता ने देख ही लिया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोगों के साथ क्या हुआ। किसी भी राजनीति दल से कोई मुझे ये शो करके दिखा दे कि किसी ने भी एक भी जनता का, एक भी गरीब का मदद किया है। सिर्फ एक मीडिया के थ्रू आता है कि इतने इतने करोड़ रुपये आते हैं फंड महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पे जितने दलित पिछड़े लोग हैं उनके लिए, लेकिन कहाँ है वो पैसा, लोगों के पास पहुँचा नहीं पैसा, दलाल बैठे हुए हैं। तो इस सब चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए शोभा सोरेन उतरी है। मेरी आवाम, मेरी जनता मुझे बोली है कि आप निर्दलीय ही लड़ो, क्योंकि पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी रकम की डिमांड हुई है मुझसे। हम नहीं चाहते हैं कि अगर हम डिमांड पूरी करके अगर हम आते हैं तो कल होकर हम भी विकास नहीं करेंगे। यही चीज़ें हैं कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हम रहना चाहते हैं, हम समाज में ही रहना चाहते हैं, मेरी जनता जो चाहती है बस उसी चुनाव को हम लड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे हम भी दिखाना चाहते हैं कि अगर विकास का नाम होता क्या है, यहाँ के जनता के मन में डाला गया है कि आपका अगर आप जी रहे हो तो यही आपका विकास है। जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम शोभा सोरेन है, पूरे बिहार में प्रथम आदिवासी नेत्री लोकसभा प्रत्याशी हम रह चुके हैं पूर्णिया जिला से, और अभी हम दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रुपौली विधानसभा है जो पूर्णिया जिला में पड़ता है और एक हमारा आरक्षित सीट है मनिहारी 67 विधानसभा। जी,